ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपको एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आपने इस मिर्ची को पहले देखा होगा, इस मिर्ची को कुछ शायद भरमा मिर्ची सभी लोग अलग अलग नाम से बुलाते होंगे, आई डोंट नो। तो हमें क्या कर लेना है, उस मिर्ची को ले लेना है जो कि बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। साइड में हमें बेसन ले लेना है, बेसन में हमारे जो भी रेगुलर मसाले होते हैं वो हमें इसमें ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में आपको थोड़ा सा तेल डालना है। तेल थोड़ा गर्म होने के बाद आपको जो बेसन है वो उसमें सेक लेना है, लाइक समझ रहे हो, आपको सिर्फ सेकना है, उसको फ्राई कर लेना है। आप देखिए कलर इस तरीके से हो जाएगा, आपको इसमें सब मसाला वसाला डाल के ही सेकना है। उसके बाद हमको क्या करना है, मिर्ची को इस तरीके से बीच में से कट कर लेना है और आपके जो भी मसाले आपने जो अभी बेसन फ्राई किया है उसको इस मिर्ची के अंदर इस तरीके से डाल लेना है। आपको इस तरीके से पूरी मिर्ची को सभी को फील करके रख देना है। साइड में हम लोग क्या करेंगे, फिर से तेल गर्म करेंगे, उसमें थोड़ा सा जीरा का तड़का देंगे। उसके बाद हमारी ये जो मिर्ची है वो हम उस मिर्ची को उस तेल में धीरे 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 करके डाल देंगे। ये आपको बहुत ही धीरे से डालना है, बिकॉज तेल गर्म होगा तो चटका आएगा। सब्जी बनाते बनाते आज हमने देखी थी जवान मूवी, जो भी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी मूवी। तो हम देखिए मिर्ची को ऐसे करके ऐसे ऐसे एक एक करके धीरे धीरे डाल देंगे। एक साइड से सेकने के बाद हमको उसको धीरे धीरे हिलाना है, क्योंकि मसाले वरना बाहर निकल जाएंगे। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। खाओ पिए ऐश करो, बाय बाय।